हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स के फंडे, द फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, आज से हम एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब हमारा नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर्स या तीन वेक्टर्स या मोर देन थ्री वेक्टर्स या मोर देन टू वेक्टर्स को हम कैसे कैसे ऐड करने वाले हैं, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नोट पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ यहाँ पे लिखते जाइए। क्लियर? अच्छा, अभी बात करते हैं कि अच्छा, हमने फर्स्ट जो तीन लेक्चर पढ़े या फर्स्ट तीन लेक्चर्स का वीडियो आपने देखा, उसमें आपने क्या पढ़ा था? वेक्टर और स्केलर। ठीक है, डिफरेंशिएट हमने किया था, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएट किया था। तो स्केलर क्या होता है? कि जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। वेक्टर्स क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। दैट क्वांटिटी, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। एंड अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, वहां पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, दैट क्वांटिटी इज नॉन एज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अभी बात करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी अगर मुझे ऐड करनी है तो वो तो सिर्फ सिंपल एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। ठीक है ना? सपोज मैं आपको समझाता हूं। सपोज आप बाजार गए, ठीक है, आपने क्या किया, एक एक केजी केले, मतलब आप नहीं, पापा गए, पापा 1 केजी केले लेके आ गए। ठीक है, ऐसे 1 केजी केले लेके आ गए। ठीक है, उसके बाद मतलब पापा जैसे घर पे लेके आए केले, उसके बाद पीछे से दादा गए थे तो वो भी 1 केजी, मतलब ये मान लेते हैं हमने 2 केजी यहाँ पे पापा केले लेके आए, और उसके बाद कौन गया था? दादाजी गए थे, तो दादाजी भी क्या लेके आ गए? केले लेके आ गए। उन्होंने भी 3 किलो केले लेके आ गए। ठीक है, वो भी क्या, उन्होंने भी 3 केजी केले लेके आ गए, मतलब यहाँ पे 3 केजी। तो अभी आपके पास कितने केजी केले हो गए, मतलब घर में कितना केजी केले हो जाएंगे? दैट इज दोनों का एल्जिब्रिक सिंपल सम होने वाला है। यहाँ पे मास इज द स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे टोटल जो हमारे पास मिलने वाला है वो टोटल कितना मिलेगा? 5 केजी। ठीक है ना, यहाँ पे हमें टोटल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 5 केजी। क्लियर? देखो, तो ये क्या था? स्केलर एडिशन। ठीक है, स्केलर एडिशन में सिंपल एल्जेब्रिक सम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 + 3 क्या होगा आंसर? 7 केजी। क्या होगा? 7 केजी। केजी मतलब 4 केजी और 3 केजी क्या हो जाएगा? 7 केजी हो जाएगा। तो ये सिंपल एल्जेब्रिक सम है जो हम आज तक पढ़ते आए। लेकिन अभी हम जो एडिशन करने वाले, वो किसका एडिशन करने वाले हैं? वेक्टर्स का एडिशन करने वाले हैं। तो वेक्टर्स का एडिशन, ये सिंपल जो एल्जेब्रिक एडिशन होता है, वैसे पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 2 केजी मैग्नीट्यूड है, 3 केजी मैग्नीट्यूड है, तो उसका आंसर जो 5 केजी मिला वो भी तो हमारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली 4 केजी 3 केजी यहाँ पे भी क्या है? 7 केजी, दैट इज ऑल्सो है मैग्नीट्यूड। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं आता है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होने की वजह से हम उसको सिंपली सिंपली एल्जेब्रिक सम करके या एल्जेब्रिक एडिशन करके छोड़ देते थे। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में जो आंसर, मतलब जो हमारा रिजल्टेंट मिलने वाला, जो आंसर मिलने वाला है, उसके पास भी डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या मिलेगा हमें? डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि वेक्टर एडिशन जो है वहां पे हमें जो रिजल्टेंट मतलब जो आंसर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन होने की वजह से हमें उसका जो आंसर मिलेगा वो कुछ डिफरेंट मिलेगा, और कैसे मिलेगा उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे लिख दिया है कि वेक्टर एडिशन इज नॉट पॉसिबल बाय सिंपल लॉ ऑफ एल्जेब्रा। क्यों? वो हम समझते हैं। ठीक है, ठीक है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, उसने कहाँ से स्टार्ट किया? पी पॉइंट से स्टार्ट किया, और वो कितना मीटर चला? फॉर एग्जाम्पल 4 मीटर। वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। आफ्टर दैट ही सडनली टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एंड ही मूव्स 3 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। वो 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आया? अच्छा, अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये सिंपल, अभी आपको आपको क्वेश्चन क्या बोला जाएगा? व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट? अगर डिस्प्लेसमेंट आए, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात आए, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है मुझे बताओ पहले।
और डिस्टेंस की बात आए तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है वो मुझे बताओ। सो डिस्टेंस विल बी द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट विल बी द वेक्टर क्वांटिटी एज वी नो दैट। ओके, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, क्लियर। तो डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपको बोला जाए कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट S है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट S है, तो P, Q, S, जब वो S पॉइंट पे पहुंचता है देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस में क्या होता है, जो डिस्टेंस उसने चल के कवर किया है दैट विल बी द डिस्टेंस, वहां पे डायरेक्शन नहीं आने वाली। तो उसका जो डिस्टेंस हमारा होगा वो क्या हो जाएगा मुझे बताओ। चलो डिस्टेंस विल बी 4 + 3 दैट इज 7 मीटर। उसने डिस्टेंस कितना कवर किया ये अगर बात आ जाए तो हमारा आंसर आएगा 4 + 3 दैट इज 7 मीटर। ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी का सिंपल एल्जेब्रिक सम हो जाता है। लेकिन अगर आपको बोले कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट एस, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट एस, तो क्या करेंगे हम, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ मुझे। तो उसके लिए मैं आपको समझा देता हूं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, पहले तो ये समझते हैं। डिस्टेंस तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस उसने चल के कवर किया जितना वो चला, ठीक है, लेकिन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, अभी इसका और इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा ना, यहाँ से ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा नहीं होगा, ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा नहीं होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस दोनों के बीच का होता है वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजिशन। तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां पे एक लाइन या फिर वेक्टर बना देता हूं, ठीक है, ये वेक्टर मैंने बना दिया ये ऐसे, और ये वेक्टर जो हमारा होता है दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारा होगा वो क्या होगा, तो उसकी वैल्यू देखो, अभी ये साइड आपको पता है, ये साइड पता है, यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। आप कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसकी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे निकालना है, तो सिंपल आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर हमें किसके बराबर मिलेगा, तो ए वेक्टर, सपोज ये हमारा कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है, और ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है ना। ये ए वेक्टर जो है उसकी वैल्यू कितनी मिली हमें, 4 मीटर, एंड बी वेक्टर जो है उसकी वैल्यू क्या मिली हमें, 3 मीटर, 4 मीटर 3 मीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट दैट इज आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट इज वाई वी विल ओनली कंसिडर अ मैग्नीट्यूड। यहाँ पे सिर्फ क्या मानने वाले हैं, हम मैग्नीट्यूड को ही मानने वाले हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज वाई हियर बोथ दैट इज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन विल कम्स इन द सिस्टम, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आने वाला है, इसलिए मैं आपको अभी यहाँ पे प्रॉपर वे में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आर वैक्टर जो है, मतलब हमें क्या करना है कि एक ए वैक्टर है हमारे पास, ठीक है, उसका हमने एडिशन किसके साथ किया, बी वेक्टर के साथ किया, तो हमें जो आंसर मिला वो क्या मिला, आर वेक्टर, और आर वेक्टर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी आर वेक्टर को अगर मुझे निकालना है तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर विल बिकम्स अंडर रूट, क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या था पता है ना आपको, पाइथागोरस थ्योरम क्या था, अंडर 4² + 3² इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। सो R will be equal to under root 4² + 3² So from that point of view we will write here as a² + b² ये square जो होता है magnitude का होता है। तो R vector, मतलब R vector का जो magnitude हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4² + 3² that is 5 meter
ठीक है। अभी देखो आप, स्केलर में उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 7 मीटर। मतलब स्केलर एडिशन हमें डिफरेंट मिलेगा और वेक्टर एडिशन में मैग्नीट्यूड डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये आर आर की वैल्यू हमें कितनी मिली, 5 मीटर। क्लियर है यहां तक? अभी सेकेंड पॉइंट जो आता है दैट इज अबाउट डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमें डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ऐसा बोला तो है, लेकिन 5 मीटर कौन सी डायरेक्शन में, ऐसा वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें बताना ही है कि भाई कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट किसके साथ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल। सपोज हम मान लेते हैं कि अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। मतलब इसको समझने के लिए ये जो अल्फा एंगल जो है, ये अल्फा एंगल क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। लेकिन उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। कहाँ पे समझाएंगे, यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। सपोज हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला नॉर्थ हो जाएगा, ये वाला ईस्ट। हमारा जो राइट हैंड है ना वो ईस्ट हो जाएगा, अगर हम लेफ्ट हैंड के साइड जा रहे हैं तो हमारा वेस्ट हो जाएगा, अगर पैर में जा रहे हैं तो हमारा साउथ हो जाएगा, और हेड मतलब ऊपर जा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा। हमारे पास चार ही डायरेक्शन, जनरली चार ही डायरेक्शन है कि भाई ये डायरेक्शन जो है वो ईस्ट है, ये डायरेक्शन वेस्ट है, ऊपर वाली नॉर्थ है, और इस नीचे वाली जो है वो साउथ है। लेकिन यहाँ पे आप देखो ए वेक्टर कौन सी डायरेक्शन चला, ईस्ट के ईस्ट की साइड चला, ये ईस्ट डायरेक्शन में चला। अच्छा बी वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में चला, नॉर्थ की डायरेक्शन में चला, मतलब ये डायरेक्शन में चला, ठीक है। अभी इसका जो रिजल्टेंट मिला वो हमें कुछ इस तरह से मिला, और जिसने ए एंगल के साथ क्या अल्फा, मतलब ए वेक्टर के साथ क्या बनाया, अल्फा एंगल बना दिया। मतलब यहाँ पे हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला, आर वेक्टर जो मिला है वो कौन सी डायरेक्शन में है वो हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नॉर्थ तो ये मतलब यहाँ पे रह गया, ईस्ट यहाँ पे रह गया। तो अगर बीच वाला कोई है वेक्टर, या बीच वाला कोई एंगल है, या कोई बीच वाला वेक्टर है, तो उस वो कौन सी डायरेक्शन में होगा उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं ना इसका ये जैसे खत्म हो जाए ना, मैं इसका एंगल का कुछ प्रॉपर वे में हम समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। अभी आप समझो, अभी अभी मतलब जस्ट ये क्वेश्चन के लिए आप ये समझ लो कि यहाँ पे ये एंगल कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। अभी अल्फा एंगल वो किसके साथ बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, ईस्ट के साथ बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, ईस्ट के साथ बना रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी द, देखो वो ईस्ट डायरेक्शन के साथ अल्फा, रिजल्टेंट जो है हमारा ईस्ट डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। मतलब ये ईस्ट डायरेक्शन से अल्फा एंगल, मतलब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, देखो इसका अगर एंगल में बढ़ाता हूँ तो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसकी डायरेक्शन कैसे लिखूंगा, तो डायरेक्शन हम ऐसा लिखेंगे कि इट इज अल्फा डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ऑफ द ईस्ट। समझ में आ गया, वो कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ की साइड है, कहां से, ईस्ट से। ओके सो वी कैन राइट हियर द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर is given by the angle made by resultant with any direction, with east है तो east के साथ, north है तो north के साथ, west है तो west के साथ, और south है तो south के साथ, ठीक है। किसके साथ बना रहा है, with any डायरेक्शन, और वी कैन से विथ एनी वेक्टर, वेक्टर के साथ। सपोज ये ए वेक्टर के साथ बना रहा है ना, यहाँ पे आप देखोगे तो ए वेक्टर के साथ रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो एनी वेक्टर, और यहाँ पे वो क्या होगा मुझे बताओ, व्हाट विल बी द डायरेक्शन। सो डायरेक्शन विल बी द अल्फा डिग्री एंगल जो है, ठीक है, अल्फा डिग्री में नहीं कर रहा हूं, अल्फा नॉर्थ ऑफ ईस्ट,
ठीक है। सपोज मैं मतलब समझ लेते हैं कि 37 डिग्री है, ठीक है, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हमारा ए वेक्टर ईस्ट की तरफ जा रहा है, बी वेक्टर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो किसके साथ एंगल बना रहा है, ईस्ट के साथ एंगल बना रहा है। लेकिन वो एंगल कितना, मतलब इसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमारी को क्या डायरेक्शन हो जाएगी, द डायरेक्शन विल बी द, सपोज अल्फा एंगल है तो अल्फा एंगल नॉर्थ ऑफ ईस्ट, अल्फा एंगल किसकी डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में, अल्फा एंगल कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, कहां से, ईस्ट से, ठीक है ना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, अल्फा एंगल नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा चलो लिख लो जल्दी से, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ और आपको जो एंगल जो है ना कि सर हमें एंगल कैसे निकालना है, क्या करना है, मतलब उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। चलो जल्दी से लिख लो, हो गया, हो गया ना, चलो मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, अ बॉय इज मूविंग 8 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड सडनली टेक्स शार्प टर्न, शार्प टर्न की बात आए ना, शार्प टर्न मतलब 90 डिग्री टर्न हो जाना है, ठीक है ना, शार्प टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ, ओके, एंड मूव 6 मीटर, ओके, नॉर्थ की डायरेक्शन में टर्न हो जाता है और उसके बाद वो कितना कितना 6 मीटर वो वॉक करता है या मूव करता है, ठीक है। तो उसको हम कैसे, मतलब क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय, ठीक है, बॉय का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपको बताना है। चलो मैं ऑप्शन यहां पे दे देता हूं, ठीक है, ऑप्शन आपको दे देता हूं, 10 नॉर्थ ईस्ट, बी 10 नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्लियर। एक काम करते हैं, 37 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, यहां पे एंगल चेंज कर देते हैं, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सी 10 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ओके, डी 37 डिग्री नॉर्थ ने ईस्ट ऑफ ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, और ये भी 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, क्लियर। तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, चलो कैसे करेंगे बताओ। तो सबसे पहले हमें मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड आपके अगर ऑप्शन में ये दिया है तो आपको तो सिर्फ डायरेक्शन की ही बात करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको फिगर आउट कर देना है, ठीक है। सपोज यहाँ पे ये बॉय जो है वो कितना मीटर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये बॉय को हम 8 मीटर कौन सी डायरेक्शन में भेज देंगे, ईस्ट की डायरेक्शन में भेज देंगे। उसके बाद वो 6 मीटर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, शार्प टर्न लिया, मतलब यहां से वो 90 डिग्री टर्न करके वो 6 मीटर कौन सी डायरेक्शन में गया, कौन सी डायरेक्शन में गया, वेरी गुड, ये 6 छोटा कर देते हैं ना, 6 छोटा कर देंगे, 8 बड़ा है, 6 मीटर वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको आगे बढ़ाया,
ये हमारा आर वेक्टर है, ठीक है। तो आर वेक्टर जो होता है वो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन, दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। और ये हमें आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करेंगे जल्दी से। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट इज अंडर रूट 8² + 6² इसको सॉल्व करेंगे। 8 स्क्वायर क्या होगा 64, प्लस 3² क्या होगा 36, इसको ऐड कर देंगे तो 100 आंसर आएगा, और अंडर रूट 100 जो हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। मतलब आर जो रिजल्टेंट हमें मिला, डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट मिला, या फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो मिला वो क्या मिला हमें, 10 मीटर। 10 मीटर मिला, लेकिन अभी डायरेक्शन 10 मीटर देखो, आप ऑप्शन में देखोगे तो सभी के आगे 10 मीटर है, तो ये तो हमारा सही चलो हो गया। यहाँ पे 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर ये तो हो गया, लेकिन बात जो आने वाली है वो अब आने वाली है कि डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सिंपल मैंने आपको बताया था डायरेक्शन हमें कहाँ से मिलने वाला है, तो ये जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है वहां से जो रिजल्टेंट है दैट विल बी द आवर डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं फिगर बना दूँ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एंगल बना वो कुछ इस तरह से अल्फा एंगल बना, अल्फा एंगल बना, लेकिन हमें क्या करना है, अल्फा एंगल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अल्फा एंगल की क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है। कैसे वैल्यू निकालेंगे अल्फा एंगल की, बताओ इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। सिंपल है, मैं समझा देता हूँ, डोंट वरी। सपोज ये जो है हमारा जो पार्ट है ना, एंगल जो है यहाँ पे, मैं समझा देता हूँ कि सपोज ये वाली लाइन 8 है, ठीक है, ये वाली लाइन 6 है, ये वाली लाइन हमें 10 दी गई है, ठीक, मतलब आंसर मिला ना 10। तो यहाँ पे मान लेते हैं अल्फा, ये एंगल कितना हुआ 90। तो हमारे पास एक 3-4-5 का एंगल है, मतलब जो है ट्राइंगल 3-4-5 का, ये मान लेते हैं हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 3 है, और ये हमारे पास 5 है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, अल्फा दिया गया है, क्या दिया गया है, अल्फा दिया गया है। अल्फा की वैल्यू सपोज देखो, अभी यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि जहाँ पे सामने की साइड छोटी वैल्यू है दैट मीन्स ये वाला एंगल हमारा छोटा होगा, मतलब ये एंगल जो हमारा होगा 37 हो जाएगा, ठीक है, और ये एंगल जो हो जाएगा वो 53 डिग्री हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अभी अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन, समझ में आ रहा है ना, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँगा तो टेन थीटा इज या टेन अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट हमारी कौन सी साइड 3, और बगल वाली साइड कौन सी है 8, तो ये हो जाएगा अपना 3/4, क्या हो जाएगा 3/4। अच्छा मिली, टेन अल्फा इज इक्वल टू 3/4 मिली। अच्छा, यहाँ पे आप ये 3/4 टेन अल्फा की वैल्यू, और यहाँ पे ये हमारा जो ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा बड़ा ट्राइंगल, यहाँ पे सपोज हमारे पास कोई अल्फा एंगल दिया गया है, और थ्री फोर हमें कौन सा याद रखना है, ये 4, ये 3 और ये 5, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अभी देखो कि टेन अल्फा इज इक्वल टू 3/4, टेन अल्फा इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पे अगर देखेंगे आप, देखो टेन अल्फा की वैल्यू क्या मिली 3/4, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा जो एंगल है ना वो 37 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है ना वो 53 डिग्री है, और ये दोनों का एडिशन हमारा ये 90 डिग्री है ना, ये 53 प्लस 37 90, और 90 टोटल एंगल हमारा कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार क्या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर, 53 और 37 डिग्री के क्वेश्चन को ऐसे यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो आप कि ये अगर 53 एंगल है मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट जो साइड है वो बड़ी होनी चाहिए, ये अगर 37 है मतलब ऑपोजिट जो साइड है वो छोटी होनी चाहिए,
तो मैंने क्या कर दिया, ये जो एंगल ट्रायंगल बनाया उसमें सामने वाली साइड थ्री कर दी, और उसके जो बड़ा एंगल बनाया उसके सामने वाली साइड बड़ी कर दी। सिंपल देखो, ये सपोज ये इस तरह से है, ठीक है, ये छोटा एंगल, छोटा एंगल मतलब सामने सामने वाली जो ये साइड है ना, ये वाली साइड ये छोटी है, जैसे बड़ा एंगल हुआ ये सामने वाली साइड बड़ी हो गई। तो सिंपल, जहाँ पे 53 डिग्री है उसके ऑपोजिट वाली साइड ऑलवेज बड़ी होगी, जहाँ पे 37 डिग्री है वहाँ की ऑपोजिट वाली डायरेक्ट जो साइड है वो छोटी होगी। मतलब हमें 3 और 4 को कहाँ पे अरेंज करना है, 5 तो अपनी जगह पे ही रहने वाला है, 5 तो अपना सबसे लॉन्गेस्ट साइड पे ही आने वाला है, ये दोनों के बीच में लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, तो ये हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 तो इसके ऊपर ही आने वाला है, 3 और 4 को रखने में कन्फ्यूजन नहीं करना है, 37 डिग्री है उसके सामने वाला 3 और 53 डिग्री है उसके सामने वाला 4। अभी ये जो फिगर मिली हमें tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4, इसको हम इसके साथ कंपेरिजन करेंगे कि मैं अगर ये देखो, ये हमने अल्फा कंसिडर किया है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल रहा है, tan अल्फा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है ना, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मैथमेटिकल टूल का जो लेक्चर है वो जाके वहां पे पढ़ लो, ठीक है। तो ये क्या मिला हमें 3/4, अभी ये 3/ यहाँ पे भी 3/4 मिला, लेकिन एंगल यहाँ पे कितना है 37 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ पे एंगल कितना है 37, मतलब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी हमें 37, इसके बेसिस पे हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिली 37 डिग्री। अभी अल्फा की वैल्यू तो हमें मिल गई, मैग्नीट्यूड मिल गया अल्फा, दैट इज एंगल, एंगल भी मिल गया हमें, एंगल कितना मिला 37, मतलब 37 मतलब ये दो तो यहाँ पे ही क्लोज हो जाएंगे, ये दोनों यहाँ पे क्लोज हो गए। क्यों क्लोज हो गए, क्योंकि 53 53। लेकिन दूसरा एक और भी पॉइंट है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन अभी सोचने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एंगल हमारा 37 है, ठीक है, ये एंगल हमारा कौन सा है 37, तो ये तो दोनों क्लोज हो गए, ठीक है। अच्छा, अभी बात आती है कि ये दो में से कौन सा, ये दोनों में से कौन सा, तो यहां से ये फिगर देखेंगे आप, तो ये कौन सी डायरेक्शन में, मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, कहां से, ईस्ट से, मतलब इसका एंगल जो बढ़ रहा है वो किस तरह से नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, ईस्ट से, तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट 10 मीटर, दैट इज बी विल बी द राइट आंसर। ओके, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ईस्ट ऑफ साउथ है, ईस्ट ऑफ साउथ मतलब ये एंगल आएगा, लेकिन यहाँ पे तो हमारी जो है इस तरह से नहीं बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, ठीक है ना, रिजल्टेंट हमारा इस तरह से नहीं बन रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये हमारा गलत, मतलब ईस्ट ऑफ साउथ नहीं आएगा, लेकिन कौन सा आएगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो इसमें एक और जो पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा कि सपोज आपको ये ऑप्शन नहीं दिया है, सपोज आपको ये ऑप्शन दिया ही नहीं है, ये ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन कौन सा ऑप्शन दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको ऑप्शन बी दिया है, 10 मीटर 53 डिग्री, यहाँ पे 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट था, यहाँ पे 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, अगर ये आंसर दिया है तो फिर ये आंसर सही आएगा। क्यों सही आएगा, तो आप देखोगे कि 53 डिग्री, देखो यहाँ पे आप देखो, ये एंगल मेरे पास अगर 37 है तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये एंगल अगर मेरे पास 37 है, ये कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, मतलब ये 53 एंगल हो गया, ये 53 एंगल हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो नौ जो मतलब ये 10 मीटर 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिख सकते हैं हम, या फिर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिख सकते हैं हम, ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसको लिख लो आप जल्दी से, ये इरेज कर देना था, वो आगे वाला लिखना था आपको, लिख लो जल्दी से, तो इसके दो आंसर आ सकते हैं ना, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी आ सकता है, 37 डिग्री क्या हो जाएगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो गया। चलो एक और क्वेश्चन दे दूं,
चलो पहले ये जो एंगल वाला जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ये ट्रायंगल याद रख लो आप, ठीक है। ट्रायंगल यहाँ पे ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ठीक है। जो फोर है सामने वाली साइड, अगर फोर है तो ये एंगल कितना होगा, 53। सामने वाली साइड देखो, ये बड़ी ये छोटी, तो छोटी के सामने 37 छोटा एंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल आपको याद रखना है, और टेन अल्फा के, टेन अल्फा इज इक्वल टू 3/4, ये कंसेप्ट याद रखना है, या फिर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। एक ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो है वो आपको ये याद रखना है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। बहुत बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं ना, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। अगर ये एग्जैक्ट यहाँ से कितने एंगल पे है, 45 डिग्री एंगल पे है, तो ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी? ये डायरेक्शन हमारी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कब? जब ये 45 डिग्री है। सपोज आपको बोला है कि 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट, 10 मीटर साउथ वेस्ट, 10 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 10 मीटर ईस्ट साउथ, ऐसे बताया है, तो आपको जो है आंसर इस तरह से आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट, लेकिन कब? जब ये एंगल जो है वो 45 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे मैं कोई लाइन बना देता हूँ या वेक्टर बना देता हूँ, वो भी किसके साथ, ये या फिर ये 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। कितना बना रहा है एंगल? 45 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ और वेस्ट के सेंटर में, नॉर्थ और ईस्ट के सेंटर में, तो ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के सेंटर में, क्योंकि ये देखो ये टोटल एंगल कितना, 90, 90 से वो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अगर ये एग्जैक्ट सेंटर में यहाँ पे होगा तो वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट, ठीक है। और अगर यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट, ठीक है। ये साउथ वेस्ट, ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे एंगल हमने चेंज कर दिया, छोटा कर दिया, ये मान लो, मान लेते हैं 37 डिग्री मैंने कर दिया, ठीक है, ये 37 डिग्री कर दिया, तो 37 डिग्री मतलब यहाँ पे ये ईस्ट से नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ईस्ट से नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। दैट इज वाई 10 मीटर, इसका अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट, कितना एंगल, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्या होगा, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, समझ में आया। अगर ये एंगल कुछ इस तरह से होता और एंगल जो हमारा है वो यहाँ पे 37 डिग्री होता, एंगल जो है वो हमारा 37 यहाँ पे होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 37 डिग्री कहाँ से, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। अगर एंगल यहाँ पे होता और ये एंगल कितना होता, 53 डिग्री। एंगल कहाँ से, ईस्ट से अगर हो रहा है एंगल, ईस्ट से अगर एंगल हम बना रहे हैं, ठीक है, वो वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, हमारा वेक्टर एडिशन कैसे हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर ईस्ट से हमारा एंगल बन रहा है, ठीक है, अगर ईस्ट से एंगल बन रहा है तो क्या होगा बताओ, अगर ईस्ट से एंगल बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पे जो होगा, अगर एंगल नॉर्थ के साथ बना रहा है तो एंगल नॉर्थ के साथ बनेगा, तो ये हो जाएगा 37 डिग्री साउथ ऑफ नॉर्थ, ठीक है। और अगर यहाँ से 53 डिग्री बना रहा है तो ये हो जाएगा नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ डिवीजन बनेंगे तो ये हो जाएगा वेस्ट, यहाँ से एंगल बनाएगा तो साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है। मैं लिखवा दूँ क्या आपको सब? चलो लिखवा देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ये एंगल बनवा दिया 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा वेस्ट ऑफ साउथ, सॉरी नॉर्थ, ठीक है। ये जो है अगर एंगल इसके साथ बना रहा है तो ये हो जाएगा नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे और एंगल यहाँ पे बन रहा है तो ये हो जाएगा साउथ ऑफ वेस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक
ठीक है, अगर एंगल ये बना, यहाँ पे अगर एंगल बना रहा हूँ और एंगल इसके साथ बनेगा तो ये होगा साउथ ऑफ ईस्ट, और यहाँ पे अगर मैं एंगल बना रहा हूँ इसके साथ एंगल बना रहा हूँ, ये एंगल होगा तो ये साउथ ऑफ वेस्ट ही रहने वाला, लेकिन ये एंगल होगा तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज नॉर्थ ऑफ साउथ। क्लियर? तो ये एंगल की माया जाल से बचना है, ठीक है, इसको याद कर लो, आप रट लो, ठीक है, मतलब आपको ध्यान रखना है कि जिसके साथ एंगल बन रहा है वहां से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, अगर सपोज इसके साथ एंगल बन रहा है तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, अगर इसके साथ बन रहा है तो ये हो जाएगा, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं समझा देता हूँ आपको, जो आगे का क्वेश्चन हमने किया ना उसके बेसिस पे ही समझा देता हूँ कि यहाँ पे एंगल हमारा 37 है, तो ये जो वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो 37 डिग्री, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये वेस्ट और ये साउथ, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री किसकी तरफ, नॉर्थ की साइड, किसके किसके नॉर्थ, ईस्ट के नॉर्थ की साइड, ठीक है। और ये अगर 53 डिग्री होता, ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये 53 डिग्री क्या हो जाएगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, समझ में आ गया। तो मैंने आपको जो आगे के क्वेश्चन में समझाया वो भी आप मतलब यहां से समझ सकते हो, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट होगा तो 53 डिग्री जो है वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ होगा। क्लियर? अगर 45 डिग्री है तो वो तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट हो जाएगा, उसमें आपको कोई मतलब वो करने की जरूरत नहीं है, अगर 45 डिग्री हुआ तो, मतलब बाइसेक किया तो। क्लियर हो गया? चलो।